छिपा हुआ किसी से नहीं है कि मधुबनी में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो एक जगह जहां यह बात बिल्कुल से व्याप्त है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है किस तरह से लूट घसोट पब्लिक के साथ कर रहा है, उसका मेन कारण यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके साथ यहाँ तक व्यवहार कर रहा है कि जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी वेंटिलेटर लगा के उनसे पैसा वसूलने का काम किया जाता है। तो यह जो अपराध हो रहा है, इस अपराध को अगर रोका नहीं गया तो यह बिल्कुल मधुबनी जिला स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तो सबसे गंदा अभी माना ही जा रहा है। लोग किसी भी बीमारी में, हार्ट अटैक तक की बीमारी में, वो डरेंगे यहाँ के हॉस्पिटल आने से, वो सीधा सोचेंगे कि हम मधुबनी से बाहर ही जाकर इलाज कराएं और रास्ते में उनकी मृत्यु हो सकती है। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है, मौत के खौफ से भी ज़्यादा खौफ जो है ये सरकारी हॉस्पिटल में आने पे आम आदमी को हो रहा है। और जिस स्वास्थ्य केंद्र पे अभी हम उपस्थित हैं, ये बाबूबरही जो प्रखंड है उसका एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र है। एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र कहने का मतलब यह है कि बाबूबरही में एक मेन स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बाद इसको एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। बरहारा में है आप? जी हाँ, अभी हम बरहारा में हैं, तो ये एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र बरहारा में हम हैं। और जो एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र बरहारा में जो कागजी रूप से दिखाया जा रहा है, असत्य है। कागज में दिखाया जाता है डेली डॉक्टर आते हैं, कागज में दिखाया जाता है डेली जो है वो मेडिसिन का वितरण होता है, लोगों का सुचारू ढंग से इलाज होता है। बहरहाल यह स्थिति, इस हॉस्पिटल के पास इतना ज़मीन है कि जो बाबूबरही प्रखंड हॉस्पिटल है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन इस हॉस्पिटल के पास है। और यह बहुत ही घनी आबादी के गांवों को जोड़ता है, एक साइड जहाँ बसहा है, दूसरा गढ़ी नवटोल है, बरदाहा है, बरदाही है, बरहारा है। तो जब कोई घटना घटती है किसी के साथ और हॉस्पिटल का जरूरत पड़ता है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में वो जाने के लिए चाहते हैं। तो इस हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कि रात में कोई जो डिलीवरी पेशेंट की पेशेंट है उसका डिलीवरी होना है तो इस हॉस्पिटल में आके उसको वापस जाना पड़ेगा, उसका यहाँ पे डिलीवरी नहीं होगा। तो सरकार को मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि घनी आबादी के क्षेत्र में यह हॉस्पिटल है और यह जो अत्याचार हो रहा है बाबूबरही के साथ, इस अत्याचार को वो बंद करें। जो यहाँ पे व्यवस्था है सबसे पहले उस सरकारी व्यवस्था जो दिए हुए हैं उसको वो सुचारू ढंग से तुरंत चालू करने का काम करें, इसके बाद इसका जीर्णोद्धार करें। इसके काफ़ी ज़मीन है और यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, इसका जीर्णोद्धार करें कि गाँव के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस पर आश्रित हैं, वो इनका इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस अपराध को बंद करें, नहीं अगर इसको सुचारू ढंग से चालू किया गया तो फिर बाबूबरही में जो है तो बहुत ही बड़ा एक आंदोलन किया जाएगा, जन सैलाब उमड़ेगा, तब सरकार को अपनी गलती पे पछतावा होगी कि वाकई रूप से हमारे पदाधिकारियों ने गलत किया है। हमने बहुतों बार राष्ट्रपति महोदय जी को पत्र लिखा, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा, ACS हेल्थ को पत्र लिखा और इंक्वायरीज वगैरह हुई है। सिविल सर्जन जो अभी मधुबनी के हैं वो क्या ये खेल खेल रहे हैं भाई? उनका हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो प्राइवेट कहीं फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है या प्राइवेट में कोई भ्रष्टाचार चल रहा है उसको वो बंद कर देते हैं, फिर जाके उसको खोल देते हैं। मतलब वो सेकंड सरकार हो गए हैं, सरकार का वो मिसयूज कर रहे हैं। अरे उनको चाहिए कि अपने मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला के अंतर्गत ये बाबूबरही आता है, उनको चाहिए कि वो खुद से विजिट करें और खुद से विजिट करके देखें कि सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जा रही है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके उपरांत वो क्या करते हैं, बंद कर दिया, खोल दिया, बंद और खोल का काम कर रहे हैं ये सिविल सर्जन जो मधुबनी है। दूसरी बात हम यह कहना चाहेंगे, ये कुछ फर्जी नर्सिंग होम वगैरह सब खोल के बड़ा बड़ा प्रचार करता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग बोर्डिंग का बोर्ड लगा के काम कर रहा है, ये सब जो फर्जी कर रहा है इसको तुरंत बंद किया जाए, इंक्वायरी किया जाए। सिविल सर्जन को इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी करके इसको बंद करना चाहिए। जो स्वास्थ्य के साथ अपराध हो रहा है, जो
कोई रोग से बिलख रहा है, मर रहा है, उसको तुरंत उपचार चाहिए। उसके साथ जो कोई अपराध करता है उसको तो किसी भी तरीके से क्षम्य करने योग्य है ही नहीं। जब हम आपको अभी बताएंगे, कुछ दिन पहले नवजीवन हॉस्पिटल पे जिस तरह की घटना हुई वो लिखित रूप में सामने आई। खुद सिविल सर्जन ने कहा इसने गलत किया है, ओटी का नोटबुक मांगा गया, डॉक्टर आते हैं जाते हैं उसका रिकॉर्ड मांगा गया। आज पेशेंट जीवित है तो आपने 50,000 या 25,000 फाइन लगा दिया। वो पेशेंट अगर मर गया होता या वो महिला पेशेंट जिसके साथ नग्न अवस्था में रखा गया, अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या ये 50,000 और 25,000 फाइन करके छोड़ते? तब क्या ये अपराध बदल जाता? तो मैं यह सिविल सर्जन को भी कहना चाहूँगा कि इस तरह का एक्शन लेने से वो बाज आ जाए और प्रॉपर एक्शन लें जिससे कि ये स्थिति यहाँ पे सुधर जाए। और अगर पब्लिक उतर जाएगी तो ये मधुबनी जिला है, सिविल सर्जन जी तो चले जाएंगे यहाँ से, उनको तो सरकार हटा देगी ही, ये मधुबनी जिला है। क्योंकि जब अन्याय का अंत हो जाता है, जब भ्रष्टाचार अपनी प्रकाष्ठा को पार कर जाती है, तब तब यह मिथिलांचल धरती का जो आम युवक है, आम लोग हैं, आम जनता है, रोड पे उतर के अपनी ताकत को दिखा दी है और सरकार को जो है वो झुका के रख दिया है। तो सरकार के तरफ हमारा सीधा निशाना अभी नहीं हो के मेरा पहला निशाना सिविल सर्जन है। और मैं इस बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा कि आखिर मधुबनी जिला में बाबू बरही के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? अगर सरकारी रजिस्टर में डॉक्टर के आने का मेंटेन हो रहा है, दवाई खर्चे का मेंटेन हो रहा है, तो वह आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? और सिविल सर्जन खुद इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं और आम लोगों के बीच में जाके रिव्यू रिपोर्ट क्यों नहीं लिया जाता है? क्या गरीब आदमी शोषण के लिए ही बना है? शोषित ही करते रहिएगा, वो मर गया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करता हूँ और हम बाबू बरही के साथ हैं, बाबू बरही के गरीब लोगों के साथ हैं, उनके जनता उसके साथ हमेशा खड़े हैं। जानना चाहता हूँ कि इस तरह का अपराध को अब बंद कर दिया जाए। जो अपराधी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपराधी सिर्फ वो नहीं होता जो गोली और बंदूक लेके निकलता है, जो कलम लेके अपराध कर रहा है वो भी अपराधी होता है। आप MBBS हो गए, आप MD हो गए, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, अमेरिका तक जाके आपने डिग्रियां ले ली और गांव में यहाँ पे आके अत्याचार कर रहे हैं आप। तो ये पढ़ा लिखा जो अपराधी है वो बड़ा अपराधी है। कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जहाँ डॉक्टरों ने अपनी जान को गंवा के लोगों को बचाया है, वहीं आज जब स्थिति सामान्य है तो आज अभी मैक्सिमम डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है संरक्षण प्राप्त है, जांच घर भी संरक्षण प्राप्त है और ये अपना मनमानी कर रहे हैं। तो इस चीज को बंद किया जाए, सरकारी हॉस्पिटल को अच्छे से चलाया जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल की उसको जरूरत ना पड़े। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छा है उसको अच्छा रिवार्ड दिया जाए, जो गलत है उसको तत्काल बंद किया जाए। अच्छा मनोज, ये बताइए कि जिले भर में लगभग जांच घर जो भी है, एक्सरे हो या फिर पैथोलॉजी लैब हो, वो भी पाया जा रहा है कि उसमें भी अनियमितता है और वो भी पूरी तरह से भ्रष्ट है, उसके विषय में आपने कुछ किया? देखिए, इन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है इजीली। आप जाइएगा, आप सोचिएगा हमको पैथोलॉजी लैब खोलना है, दो चार को कागज का क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए, पैसा लगाइए, खुल जाता है। मतलब और सब स्टेट में जैसे स्ट्रिक्ट है वैसा नहीं है। तो सरकार से हम कहना चाहेंगे किसी भी नर्सिंग होम को परमिशन देने से पहले, किसी को पैथोलॉजी को परमिशन देने से पहले ऐसी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़े कि इन लोगों को लाइसेंस रद्द होने के बाद जेल का सीधा प्रावधान हो। दूसरी बात, जहां कोई देखने वाला नहीं है वहां लूट घसोट तो हो ही रहा है, जिसको मन जैसे वो वैसे लूट घसोट कर रहा है। और जो ईमानदार डॉक्टर हैं उनको कहीं ट्रांसफ़र करके कहीं कोना में दे दिया जा रहा है, तो चोरी बजारी तो है ही।